बताओ। आ गए सभी लोग, तो आज हमें क्या स्टार्ट करना, यस क्या स्टार्ट करना था आज हमें? सर। पढ़ लिया था तुम लोगों ने पूरा? कोई बच्चा बता सकता है आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? बताओ, टेल मी। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो, प्रॉपर्टीज, उसे बोलते हैं हम आइसोमेरिज्म, समझे? स्ट्रक्चर नहीं, वो तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हो गई, है ना? जो आप लोग पढ़ते हो वो स्ट्रक्चरल की है। हमने पिछली बार जिन लोगों को पढ़ाया था, हमने बताया भी था वहां पे। डिफरेंट नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट सेम नहीं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी बोलो? सिंपल, फिजिकल और केमिकल। अच्छा, फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम किसकी बात करेंगे? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है? इसी को बोलते हैं आइसोमर्स, ठीक है? अब जैसे हम बात करें, यहाँ पे जो मेन कंडीशन है वो क्या है आपकी, बोलो? सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए आपका? मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। यदि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो क्या नहीं होंगे आपस में, बोलो? आइसोमर्स नहीं होंगे। जैसे मान लो ये ले लिया, क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं? नहीं है, क्योंकि इनकी मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या नहीं है, सेम ही नहीं है। क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं? है ना, ये आपस में आइसोमर्स हैं, ठीक है? चलो, ये आपस में आइसोमर्स हैं, ये आपस में आइसोमर्स हैं ना? अभी लोग बोल रहे हो आइसोमर्स हैं। इसका यूपीएससी नेम बताओ क्या होगा ऊपर वाले का, बोलो? मिथाइल और नीचे वाले का सेम सेम। ही है। जिनके आईयूपीएसी नेम सेम होते हैं वो आपस में क्या शो नहीं करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेंगे, या आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेंगे। जनरली वो स्ट्रक्चरल शो नहीं करते हैं, है ना? लेकिन स्टीरियो को तो शो करेंगे। किसको नहीं करेंगे? स्ट्रक्चरल को शो नहीं करते। अच्छा, तो ये बात क्लियर सभी को? अब एक बात आना, फिर हम अब हम देख दो, ये मैं सारी बातें आपको बताई, फिर हम देखते हैं यहाँ पे। यदि बात करें आइसोमेरिन जो होता था वो दो टाइप से होता था। कौन कौन सा? एक तो होता था स्ट्रक्चरल, दूसरा चेन दूसरा स्टीरियो, सर, ठीक है ना? ये दो टाइप के आइसोमेरिन होते हैं। चेन आइसोमर स्ट्रक्चरल वाले के पार्टी है ना? हाँ, ये आइसोमेरिज होते हैं दो टाइप के। अब हम यहाँ पे बात करते थे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज में, यदि बात याद हो कौन कौन से होते थे बताओ, एनीबडी? चेन होते थे, पोजीशन रिंग पहला वाले हो भी गया होते थे। चेन आइसोमर्स, हो गया पोजीशन, हो गया है ना, फंक्शनल मेटा फंक्शनल हो गया, था तो मेटा मैरिज हो गया, और आपका रिंग चेन हो गया। रिंग चेन भी एक टाइप के कैसे थे, फंक्शनली होते हैं। यस और फिर हो गया टोटो, टोटो मैरिज, ठीक है? अच्छा, स्टीरियो कितने टाइप के होते थे? दो टाइप के, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन और एक ऑप्टिकल आइसोमेरिन। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में बहुत, ठीक है? ज्योमेट्रिकल तो आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं ज्योमेट्रिकल भी बता दूंगा, फिर हम ऑप्टिकल भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। मैं कन्फॉर्मर्स वगैरह नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? और आपको पता है सिलेबस में आपके क्या आना है टेस्ट के कल, बोलो? यस आइसोमेरिज पूरा आएगा, उसमें कन्फॉर्मर्स भी ऐड होगा, ठीक है? याद रखना, तो आइसोमेरिज और केमिकल काइनेटिक्स और सरफेस केमिस्ट्री। तो ऑप्टिकल वाला नहीं होगा ना ये?
ऑप्टिकल वाला, ऑप्टिकल नहीं होगा, ज्योमेट्रिकल नहीं होगा। क्या बोल रहे बेटा कुणाल, क्या बोल रहे हो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ रही है तो? नहीं, इलेक्ट्रो नहीं आएगी। ओके सर, ठीक है। तो देखो ये हमने डाल दिया, सिंपल दो टाइप से बात कर दी। अब हम पहला टाइप बात करते हैं चेन आइसोमेरिंग। चेन आइसोमेरिंग किसे बोलेंगे बताओ, जिनकी क्या होगी, ऐसे आइसोमर्स या ऐसे मॉलिकुलर फार्मूला जिनकी सेम मॉलिकुलर फार्मूला तो होंगे लेकिन चेन क्या होगी, पेरेंट चेन डिफरेंट होगी। जैसे हम इसको बोलें, क्या ये आपस में चेन आइसोमर्स हैं? तो एक चीज है, हाँ आइसोमर्स ही नहीं है। क्या ये आपस में, बोलो कैसे आइसोमर्स हैं? चेन आइसोमर्स है ना, ये आपस में देखो, जिस ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं बस रिवीजन के तौर पे ले रहा हूँ। एक्चुअली मुझे कराना भी नहीं चाहिए लेकिन मैं रिवीजन के तौर पे ले ले रहा हूँ। ये बताओ चेन है, ठीक है ना, क्योंकि देखो चेन कैसे, एक दो तीन चार पांच, एक दो तीन चार, एक दो तीन, सिंपल। अब हम देखते हैं दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा हम बोलते हैं यहाँ पे चेन आइसोमेरिंग हो गया। दूसरा हम देखते हैं पोजिशन, पोजीशन किसे बोलेंगे बताओ, जिसमें क्या होगा, सिंपल पोजीशन डिफरेंट होगी, मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट देयर पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में, बोलो। फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ट्रिपल बॉन्ड या सब्स्टिट्यूएंट के प्रेजेंस में। तो यहां भी हम बोल सकते हैं सेम तो मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, पहला। दूसरा वो भी किसके रिस्पेक्ट में, डिफरेंट देयर पोजीशन, विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में, बोलो, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट अब देखो ध्यान समझना, जैसे आपसे पूछा जाए क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमेरेंज को शो करेंगे, नो सर नहीं करेंगे। वेरी गुड, क्यों स्ट्रक्चर, हाँ वेरी गुड। अब देखो दूसरा, क्या ये आपस में यस करेंगे, ठीक है। क्या ये आपस में पोजीशन आइसोमेरेंज शो करेंगे, एक ऑर्थोमेटा पैरर जाइलीन है yes. ना yes. ये भी क्या करें, देखो पोजीशन डिफरेंट होती जा रही है, आप देख सकते हो, एक दो तीन चार, एक दो, एक दो तीन, सिंपल। जब पोजीशन डिफरेंट होगी तो उसे क्या बोलेंगे, बोलो, पोजीशन आइसोमर्स बोलेंगे। यहाँ पे बताओ पोजीशन होंगे कुणाल, पोजीशन होंगे? नो सर, सर आप प्रियांशु सही बोल रहे, बोलो बोलो सर। नहीं होगा सर, सर कार्बोक्सिलिक एसिड सबको वन पहले नंबर पे होगा दोनों में। हाँ ये मैंने पढ़ाया था तुम लोगों को, नीट वालों को तो ये मैंने बताया था, पोजीशन आइसोमेरेंस शो नहीं करेंगे। क्यों शो नहीं करेंगे, हमने बताया था ये ग्रुप कैसे होते, गुंडा होते हैं, गुंडा समझते हो, अमिताभ बच्चन जैसे, हमने वहां पे डायलॉग दिया था कि जहां हम खड़े हो जाते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। तो ऐसे ग्रुप तो कभी भी क्या नहीं करेंगे शो, आपका पोजीशन आइसोमेरेंस शो करेंगे ही नहीं। ये कार्बोक्सिलिक हो गए, आपके एल्डिहाइड हो गए, आपके टाइनाइड हो गए, क्योंकि हम नंबरिंग वहीं से करते हैं, उसी कार्बन से करते हैं। ये चेन आइसोमेरेंस शो करेंगे लेकिन पोजीशन को शो नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे कौन कौन से ग्रुप हो गए बताओ, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, एल्डिहाइड हो गए, साइनाइड हो गए, है ना, ईस्टर हो गए, ये कभी भी क्या नहीं करेंगे, इट डज नॉट शो तो पोजीशन
आइसोमेरिंग, ठीक है। यस सर, ये बात क्लियर हो गई। ये बच्चा गड़बड़ कर देता है, ये बताओ ये पोजीशन आइसोमेरिंग तो करेंगे? यस सर। ये यस यस, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात आ रही है, हमने इन सब की बात कर ली। तीसरा कौन सा था आपका? मेटामेरिन फंक्शनल था। फंक्शनल, तो फंक्शनल किसे बोलेंगे? एनीबॉडी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म में से आ जाए। वेरी गुड, डिफरेंट देयर फंक्शनल ग्रुप, है ना? मतलब यदि हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? डिफरेंट होगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम? फंक्शनल आइसोमेरिंग बोलेंगे। जैसे हम बोल सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन कैसे होते हैं? बोलो, एल्डिहाइड एंड कीटोन कैसे होते हैं? आर फंक्शनल आइसोमर। और तुम्हारे ये बताओ, एल्डिहाइड कीटोन हो गए, और तुम दूसरा देख सकते हो एल्कोहल ईथर, एल्कोहल एंड ईथर देख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, ये भी आपके फंक्शनल हो गए, ठीक है। अब आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे एल्कोहल ईथर के बाद नेक्स्ट साइनाइड और आइसोसाइनाइड, बोलो ये भी कैसे हैं फंक्शनल? अच्छा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइन कैसे होते हैं? फंक्शनल। फंक्शनल अमाइड भी, ये भी फंक्शनल होते हैं, और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइन ये भी कैसे होंगे? ये भी आपके फंक्शनल होंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। यहां तक बताओ, किसी कोई डाउट तो पूछ लो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े हम? Yes, ये सभी लोग पढ़े हुए, ये सभी लोग पढ़े हुए हो, मैं इसलिए इस पे ज्यादा टाइम भी नहीं दे रहा हूँ, जल्दी खत्म भी कर रहा हूँ, क्योंकि क्या करेंगे अपन इसको ज्यादा खींच के। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं हम फंक्शनल के बाद, रिंग चेन। जो रिंग चेन भी एक टाइप की आपका फंक्शनल ही है ना, आप देखते हुए कहीं कहीं, लेकिन रिंग चेन को शो करने के लिए आप एक चार बात तो जानते हो, रिंग चेन आइसोमेरिंग उसे बोलते हैं जब कंपाउंड का क्या होता है, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होता है ना, लेकिन मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक साइक्लिक होता है, कैसा होता है? एक साइक्लिक होगा और एक दूसरा कैसा होगा? ए साइक्लिक। कैसा होगा? ए साइक्लिक। ए साइक्लिक बोलो या ओपन स्ट्रक्चर। जैसे कि ध्यान समझना, जैसे मान लो मैंने क्या ये कंपाउंड दे दिया, क्या ये आपस में आइसोमर्स हैं? ये कैसे आइसोमर्स हैं आपस में? रिंग चेन नहीं है, सही है, नहीं है, क्योंकि यहाँ एक चीज ध्यान रखना, आइसोमर्स भी तभी होते हैं जब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम होता है। क्या सेम होता है बेटा? डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अब तुम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालना आता होगा, जैसे मान लो या हम इसको डबल हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं बहुत से लोग, ठीक है ना, बहुत से लोग अलग अलग नाम बोलते हैं, मैं इसको डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बोलता हूँ। जैसे मान लो ये दे देता और ये दे देता, अब ये कैसे आइसोमर्स हैं? बोलो, रिंग चेन। अब रिंग चेन है ना, मैं ये दे देता सर, ये पहले क्यों नहीं थे एक बार ये बता दीजिए। पहले डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम नहीं था, यहाँ पे जीरो था, यहाँ पे वन था, ये पढ़ाया हूँ किसने तुम लोगों को बहुत डिटेल में। सर, यहाँ पे देखो ये बताओ कैसे हैं रिंग चेन? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन तो निकालना ही आता ही होगा आपको, पता होगा सिंगल बॉन्ड के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है? बोलो, जीरो। डबल बॉन्ड का वन, वन, वन। ट्रिपल बॉन्ड का टू। चलो एक एक निकालना जल्दी से डिग्री ऑफ। बेंजीन का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ,
नेप्थलीन का बताओ, एंथ्रासीन का बताओ, यहाँ पे कितना होगा डिग्री ऑफ फोर, ये तो फोर हो जाएगा, तो तीन डबल बॉन्ड एक रिंग चार हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तीन डबल बॉन्ड और दो दो ये डबल बॉन्ड, तीन दो पांच और एक रिंग ये छह, एक रिंग ये सात, सात यहाँ पे कितना हो जाएगा तीन, तीन दो पांच दो सात और तीन रिंग है दस, तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया दस हो गया। ये बताओ यहाँ तक क्लियर सभी को? यस। अब देखो तो ये हम सब कुछ निकलवा चुके हैं, मैं दो क्वेश्चन अच्छे से और देना चाह रहा हूँ, इसका मुझे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बताओ। सर एक मिनट पिछली स्लाइड कर लीजिए, एक मिनट कर रहा हूँ बेटा। बोलो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तीन ये हो गया, एक रिंग चार, एक पांच, दो सात, एक आठ, एक नौ, दो ग्यारह, कितना आ रहा है ग्यारह आ रहा है। देखो एक तो तरीका वो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन डिवाइड बाई टू करके निकाल देते थे आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ऐसे तो निकालते थे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है ना, नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन डिवाइड बाई टू, ठीक है। अब क्या होगा यहां पे इस तरीके से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाल लोगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखना तुम, यहां पे मुझे इसका बताओ, चलो क्यूब का मुझे बताओ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितना आएगा? कितना आ रहा है? फाइव आ रहा है। तुमने कैसे निकाला? ये तो आप नंबर ऑफ हाइड्रोजन लेस देन एल्केन करके निकालोगे डिवाइड बाय टू, ये तो मजदूरी हो गई। आप एक काम किया करो, जब भी आपको इस तरीके केस दिया जाए आप फेसेस माइनस वन कर दिया करो। कितनी फेसेस हैं क्यूब में? छह। छह माइनस एक कितना हो गया? अच्छा प्रिज्म का कितना होगा? ये बच्चा बता सकता है प्रिज्म का? प्रिज्मिका कितना होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? और वेरी गुड है ना, सिंपल रेगुलर है। नंबर ऑफ फेसेस देख लो कितनी है, एक दो तीन चार पांच फोर हो जाएगा, नंबर ऑफ फेसेस माइनस वन कर दो। कितना समझ में आ रहा है? ये मैंने तुम्हें सब क्वेश्चन कराए फोर। ये आकाश का एक दिन डाउट आया था इसी तरीके से क्वेश्चन, उसने पूछे थे तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा चलो तुम लोगों को भी करा दें, ये तो मैंने क्लास में क्वेश्चन कराए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ये भी बात कर ली रिंग चेंज। नेक्स्ट कौन सा था? मेटामेरिज। यस सर। तो मेटामेरिज में क्या बताओगे बताओ? आप फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में क्या लगा दोगे? कोई भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा उसके रिस्पेक्ट में क्या लगा दोगे बोलो? नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप क्या लगाओगे दोनों साइड? बोट लगाओ, डिफरेंट लगा दोगे? जैसे ये लगा दिया, ये बना दिया मैंने, यहाँ पे इथाइल लगा दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक कार्बन कर दिया, यहाँ पे चार कर दिए कार्बन, ठीक है ना? तो ये आपस में कैसे है? देखो एल्काइल ग्रुप क्या हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में बोलो? डिफरेंट हो रहे हैं है ना? जब डिफरेंट हो रहे हैं तो देखो सिंपल फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड यदि एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होंगे तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामेरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज। अच्छा जैसे ये बताओ ये कौन सी आइसोमेरिज शो करेगा?
ए ऑप्शन दे दिया आपको, पोजीशन, दूसरा दे दिया मेटा, तीसरा दे दिया बोथ ए एंड बी, एंड डी दे दिया नन ऑफ दीज। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, वेरी गुड, बोथ होंगे। कैसे? देखो इसके रिस्पेक्ट में एक एल्काइल तीन, इसके रिस्पेक्ट में दो दो, सिंपल क्या है आपका, देखो मॉलिकुलर फॉर्मूला लेकिन सेम होना चाहिए, यदि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम नहीं होगा तो वो मेटा मैरिज शो नहीं करेंगे, मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा तभी वो मेटा मैरिज को शो करेंगे। मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सब में सेम होना चाहिए। हाँ सभी में, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, एक की नहीं कर रहा हूँ, है ना, इस बात को ध्यान रखना। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कौन सी थी आपकी, टोटोमेरिंज। यस सर, टोटोमेरिंज की बात करते हैं। देखो टोटोमेरिंज किसे बोलते हैं, सिंपल आपको पता है एचडी क्या बेसिक मीडियम में होता है ना, टोटोमेरिंज यही तो सो होता है। जैसे मान लो आपको पता है इसका टोटोमर बनाना है तो क्या होता है इसमें, बोलो CH2CHOH, सिंपल हाइड्रोजन का माइग्रेशन होता है, वन थ्री माइग्रेशन भी बोल सकते हैं, वन थ्री माइग्रेशन कैसे, वन टू थ्री हाइड्रोजन का माइग्रेशन ही तो रहा है, बोलो सिंपल यही तो, इसको क्या बोलते थे हम, कीटो, इसको क्या बोलते थे, इनॉल, इनॉल। और आपको एक बात पता है, जनरली जनरली जो कीटो फॉर्म होता था इज मोर स्टेबल, है ना, मतलब कीटो परसेंट हमेशा सॉल्यूशन में क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा एनॉल से। ऐसे समझ लो ये 99% होगा तो ये कितना होगा, 1% मिलेगा। तो ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, समझ पा रहे हो ना, तभी मिलेगा कीटो, कीटो हमेशा ज्यादा मिलेगा फॉर्म में। फिर अब ध्यान से समझना, कीटो फॉर्म तो ज्यादा मिल रहा है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिन शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा। तो जैसे मान लो, चलो बताओ कौन सा कंपाउंड टोटोमेरिन शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, अभी शो करेगा तो क्या बनेगा टोटोमर, बताओ। लेफ्ट साइड में लास्ट के दो नहीं करेंगे, ये करेगा तो फोर्थ वाला नहीं करेगा, ये करेगा, ये करेगा, यस। जो हमें टोटोमेरिन शो करने के लिए सिंपल हमें अल्फा हाइड्रोजन देखना होता है, यदि अल्फा हाइड्रोजन होगा तब तो टोटोमेरिन शो करेगा, मतलब अल्फा हाइड्रोजन मतलब पड़ोसी को देखो, पड़ोसी के पास यदि हाइड्रोजन होंगे तब तो टोटोमेरिन शो करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। तो ये तो करेगा, ये भी ये करेगा, हाँ करेगा, ये अल्फा है इसके पास, हाँ भाई ये अल्फा है करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये बोलो। तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन वैसे जनरली क्या शो नहीं करते हैं? बोलो टोटोमेरिन को शो नहीं करते हैं। ये भी क्या नहीं करेगा सो बोलो, तो नहीं करेगा, ये फिनॉल बनेगा इसमें, वेरी गुड, ये टोटोमेरिन शो करेगा। और कौन सा हाइड्रोजन लेगा, ये वाला हाइड्रोजन लेगा, क्या हो जाएगा सिंपल रेजोनेंस हो जाएगा, और जो इसका टोटोमर बनेगा वो क्या बनेगा बच्चा, फिनॉल बनेगा। फिनॉल
सर फिनॉल वाला मेजर होगा ना इसमें? हाँ इसमें मेजर होगा, वेरी गुड, है ना। ये वाला नहीं करेगा सर। इसमें कैसे बन रहा है सेकंड लास्ट वाले में? बेटा ये हाइड्रोजन, ये वाला है ना हाइड्रोजन, यहाँ से निकलेगा तो क्या बनेगा देखो इस तरीके से, डबल बॉन्ड हो। देखो हमने पहले इसीलिए बोला था आप पढ़ लेना थोड़ा। अब ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा? ये यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ, सॉरी ये ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, ऊपर शिफ्ट होगा ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाए, माइनस प्लस क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, ये माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे और ये क्या हो जाए, ओ एच एच निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ में आ गया कितना? Yes, अब देखो, तो ये अच्छा क्वेश्चन था। अब आपको बता दें, अब हम जनरली बोल रहे हैं कीटो फॉर्म क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं इनॉल फॉर्म से, लेकिन कुछ केसेस में इनॉल फॉर्म भी क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं। इनॉल इज मोर स्टेबल देन कीटो, मतलब ये मान लो भी करेगा ना? हाँ नहीं करेगा बेटा, वो क्यों नहीं करेगा देखो बेटा, क्योंकि दोनों मिथाइल लगे ना यहाँ पे, अब तो हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। Yes, तो यहाँ पे समझना, इनॉल परसेंट जब ज्यादा तब मिलता है यदि इनॉल क्या हो जाए, बोलो, एरोमेटिक हो जाए, एरोमेटिक एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, या सिंपल किस में आ जाता है, कॉन्जुगेशन में आ जाता है। ये सारी बातें मैंने बताई थी, ठीक है, उससे हम सिंपल टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए बस आपको किसको देखना है, पड़ोसी वाले कार्बन को देखना है। यदि पड़ोसी वाले कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बस आप सिंपली क्या कर देंगे, बोलो, आप सिंपल वहां पे बस हाइड्रोजन का माइग्रेशन करा देंगे और आपको क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा, डबल बॉन्ड सी एच ओ एच। बोलिए क्लियर इतना यहाँ तक, बोलो बेटा। ये आपका एसिडिक मीडियम में होता है, आप न्यू स्टूडेंट हो गया बेटा? नो सर। क्या नाम है? अबूजर। अबूजर, टॉटोमेरिज्म उसे बोलते थे सिंपल, यहाँ पे जैसे मान लो आप एसिडिक मीडियम इक्विलिब्रियम में रहते हैं, यहाँ पे जो कीटो और इनॉल रहते थे वो इक्विलिब्रियम में होते थे और यहाँ पे हाइड्रेशन का, हाइड्रोजन क्या होता है, माइग्रेशन होता है, क्या होता है, माइग्रेशन, इसी क्या बोलते हैं आपस में, टॉटोमर्स बोलते हैं। जैसे मान लो आपने ये लिखा, ध्यान समझना बेटा, ये लिखा है ठीक है, अब एसिडिक मीडियम में कराओगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये एच प्लस, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन को, है ना। जब ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक करेगा तो क्या बनेगा, सी एच टू माइनस सी एच, यहाँ पे क्या आ गया, बोलो, ओ वैसा आ गया। अब ये क्या हुआ, इस पे क्या आया, प्लस, अब ये प्लस और माइनस क्या बना लेंगे, आपस में बॉन्ड बना लेंगे, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ओके, ऑटोमेटिक होती है और ये इक्विलिब्रियम में होता है, ऐसा नहीं है, इक्विलिब्रियम मतलब समझते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड, कीटो इनॉल आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं। यस, ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इतना, बस मैं तो क्विक रिवीजन ले रहा था कि भाई आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो जाएं, एक बार सारी बातें आपको याद आ जाएं, किस तरीके से क्वेश्चंस करे थे, किस तरीके से नहीं किए थे, ये सारी बातें याद आ जाएं। अब हम देखते हैं यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, स्टीरियो नहीं सॉरी, पहले अपन कुछ जान लेते हैं कुछ बातें और। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे मान लो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो होगा, समझना यहाँ पे, तो आप क्या बनाओगे, सिर्फ एल्किन बनाओगे, सिंगल बॉन्ड का क्या होता है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जीरो। अच्छा यदि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन वन होगा तो अब आप क्या बनाते हो, बोलो, एल्किन, एल्किन और साइक्लो एल्किन, डाई नहीं बेटा, ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जब टू होता है तब आप क्या बनाते हो, बोलो, तब आप बनाते हो, ये पढ़ा है तुम लोगों ने, नहीं पढ़ा पहले ये बताओ, yes, अल्काइन साइक्लोहेलिक्स। हाँ ये मतलब ऐसे मत शांति से बैठो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम लोग पढ़ा ही नहीं हो, मैं बोलता चला जा रहा हूँ, एल्काइन डाइन साइक्लोहेलिकीन, मैं कुछ ही आइसोमर्स बनवाऊंगा, ज्यादा नहीं बनवाऊंगा, ठीक है,
साइक्लोएल्कीन हो गया, फिर आपका हो गया सिंपल कौन सा स्पायरो प्लस एल्कीन और बाईसाइक्लो, ठीक है ये बनाने। अब जैसे देखो सर, हाँ बोलो स्पायरो क्या था बेटा, स्पायरो से बोलते देखो बेटा, स्पायरो जिसमें एक कार्बन कॉमन होता है उसे स्पायरो बोलते हैं। चिड़िया देखती है चिड़िया, समझ गया। अब देखो भाई पूछ लेना, किसी को कहीं दिक्कत लगे तो पूछ जरूर लेना, मैं बैठा हूँ ठीक है, टेंशन मत लो। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इन सब की बातें कर ली हैं, तो नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। चलो अब आप मुझे ये बताओ T5C4H10 के नंबर ऑफ एल्किन बताओ कितने बनते हैं। अरे अब T5H12 के नंबर ऑफ एल्किन बताओ कितने बनते हैं। कितने बनते हैं मैं एल्किन बनवा रहा हूँ 2-3 वेरी गुड, कितना हेलो यस सर, तुम्हारे से बन नहीं रहे क्या याद, ये सब तुम्हें कराए हैं क्वेश्चन, यस सर कितने बने हैं आंसर डायरेक्ट बता दो यार, क्या बनाना है तुम लोगों को, उसी टाइम बोला था अच्छे से पढ़ लेना, एक ये बनेगा दूसरा ये बनेगा, इसमें कितने बनते हैं, एक ये बनता है, दूसरा 2-methyl-butane बनता है, तीसरा नियोपेंटेन बनता है। यस सर। अब मुझे एक बात ये बताओ, चलो ये तो तुम्हारा हो गया, तुम तो बना ही लो, C6 के कितने बनते हैं 5, C7 के 9, C8 के 18, याद रख लो इनको तुम लोग, और नीट वाले नहीं बना पाते तो कोई बात नहीं याद रख लो, इसके 9 बनते, इसके 5 बनते हैं, ये मैंने सब बनवाए हैं बेटा तुम लोगों को, C7H16 9 बनते हैं। अच्छा एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, नेक्स्ट बात मैं पूछ रहा हूँ आपको, मान लो C5H11Cl का मोनोक्लोरीनेशन किया आपने सिंपल, आपको मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट बनाना, कितने बनेंगे तुम लोगों से बोला भी था पढ़ लेना, और तुम लोगों बनाने की जरूरत पड़ रही है, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, C5H11Cl कितने क्लोरीनेट प्रोडक्ट बनेंगे मोनोक्लोरीनेटेड बनाओ। देखो भाई 8 वेरी गुड, C4 के कितने बनते हैं, फोर वेरी गुड, C6 के कितने बनते हैं, पढ़ नहीं रहे यार तुम लोग यार,
इसमें पढ़ा नहीं था क्या तुमने? नो सर। नहीं 17 बनते हैं। क्यों नहीं पढ़ा था? यस सर वो बेचारा बनता है। भूल गया सर। क्यों भूल गए? कल पेपर में भी ये आना है, भूल कैसे गए? सर पेपर के लिए तो अभी रिवाइज कर लूँगा, एक ही बार कर हो ही गया। यार ऐसा मत करो यार, तुम लोग समझे ना, पढ़ो वही डिटेल में पढ़ो। यदि याद हो मैंने बनवाए भी थे 8, C6S13 कितने बनते थे 17 है ना, और C7 अबूजर कितने बने? नहीं बने। आते नहीं है क्या बनाना? नो सर। किसी को नहीं आते? बन गए सर। इसके कितने बनेंगे? 39। देखो भाई बनाने की जरूरत नहीं है उसके, वो वैसे भी नहीं बना हुआ, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। देखो बेटा जिसको नहीं आते बनाना, जैसे आपको C5H11Cl के बनाने, ध्यान समझना, आज सीख लो मैं सिखा दे रहा हूं आपको। पहले 5 कार्बन की एल्केन कितने बनते हैं ये बताओ, पहले कितने बनते हैं? हरी अब टेल मी। ये भी नहीं पता, 3 बनते हैं ना, तो सिंपल हम एल्केन बनाते हैं। देखो अबूजर 5, सौमिल देखो ये बना दिया हमने, 1 क्लोरीन यदि हम यहां लगा देंगे तो कोई दिक्कत हो जाएगी? दूसरा इसका मतलब ये, या तो मैं अलग अलग बनाऊं, 1 क्लोरीन यहां लगाऊं, दूसरा क्लोरीन यहां लगाऊं, मजदूरी तो करेंगे नहीं अपन, अपन तो स्मार्ट वर्क करेंगे, दूसरा क्लोरीन यहां लगा दे तब कोई दिक्कत? बोलो। नो सर। तीसरा क्लोरीन यहां लगा दे तब दिक्कत? नो सर। चौथा कर आएंगे तो तुम गुस्सा हो जाओगे, अबूजर हो गए या नहीं हो गए गुस्सा? यस सर। नहीं हो गए गुस्सा? नहीं आया समझ में सर, वो तो कर चुके हैं ना पहले। एक अबूजर। यस सर हो गया है ना, कौन सा वाला रिपीट कर रहा है? यदि चौथी पोजीशन पे आएगा दूसरा वाला रिपीट करेगा है ना। अच्छा चौथा यहाँ लगा दें, 5, 6, 7 अब 8 यहाँ लगा दिया, अब 8 कहीं भी लगा दो यहाँ पे क्लोरीन, बात तो एक ही है। बोलो yes. चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, बात तो एक ही है। अब क्लियर हुआ कुछ? यस सर। सौमिल ऐसा क्या है? अच्छा इसके कितने बनेंगे, कैसे बनाओगे? बनाओ हरी अब, पहले क्या बनाओगे? 6 कार्बन के बनाओ पहले, कितने बनते हैं एल्किन 6 कार्बन के? टेल मी। 5। तो 5 पहले ये बना लो, ये बन गए 17 आ रहे हैं। हाँ 17 ही आएंगे, वेरी गुड। तीसरा ये बन गया, अब 4, 5 के तो अब कोई बनेंगे नहीं, अब कितने के बनाओगे? 4 के। भैया हमने क्या किया, एक ही कार्बन से दोस्ती करा दी, फिर हम अब ये दोनों जब एक ही साथ में थे तो भाई लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही थी, तो हमने ब्रेकअप भी करा दिया इनका। भैया लो भाई ये ब्रेकअप भी कर लिए, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे हम तो ये सब, तुम लोग नहीं पढ़े थे, मैंने नीट वालों को पढ़ाया था। अब देखो, और बोला भी था उस टाइम कि भाई याद रखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा यहाँ पे, तुम धरे रह जाओगे क्वेश्चंस में। फिर तो ये 5 हो गए, अब हमें क्या लगाना है बोलो? क्लोरीन। तो क्लोरीन बच्चा हम कैसे लगाएंगे? देखो यदि हम 1 क्लोरीन यहां पे लगा दें तो कोई दिक्कत? दूसरा क्लोरीन यहां पे लगा दें कोई दिक्कत? तीसरा क्लोरीन यहां लगा दें कोई दिक्कत? चौथा क्लोरीन यहां लगा दूंगा तो गुस्सा हो जाओगे तुम लोग है ना। देखो यस सर, देखो सब लोग बोले हाँ सर, हम आपसे गुस्सा हो जाएंगे। चौथा यहाँ लगा दे तब कोई दिक्कत? 5, 6, 7, 8 अब बच्चे सोचे हो सर यहाँ क्यों नहीं लगाया? यहाँ इसलिए लगाया, चौथा क्या करेगा, रिपीट करे, चाहे यहाँ लगा लो चाहे यहाँ लगा लो, बात तो एक ही है। डिस्टिंक्ट साइड पे लगाएंगे। हाँ 9, 10, 11 अब हम यहाँ लगा सकते 12। अब यहाँ बात अलग है, नहीं है ये बात अलग है। अब क्या होगा, 13 यहाँ लगा दें, 14 यहाँ लगा दें,
15 यहाँ लगा दें, 16 यहाँ लगा दें, 17 में ये लगा दें, लो 17 बन गए, कितने बन गए 17। बोलो भाई क्लियर। देखो मैं क्यों ये पूछ रहा हूँ, अभी देखो मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ, नए समझ लो यहाँ पे। सर वो नीचे वाला बता दीजिए, नीचे कैसे लगा लिया बेटा। आप इसका आईयूपीएसी नेम लिखो, इसका आईयूपीएसी नेम, दोनों के डिफरेंट होंगे। चेक इट, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन होता है हमेशा आईयूपीएसी का, एक ही है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। सक्सेस जैसे सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है, ऐसे आईयूपीएसी का भी आपका कोई शॉर्टकट नहीं है। यस सर, बहुत ध्यान से समझना भाई, जहां समझ में नहीं आया पूछ लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। और क्लास को गैप तो बिल्कुल करने नहीं है। अब देखो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं तुम लोगों को, हमने पूछा C4H10O के एल्कोहल और ईथर बनाओ, बनाओ कैसे बनाओगे? अच्छा मैं दे दूं क्वेश्चन, C5H10O के एल्कोहल ईथर बनाओ कितने बनेंगे? देखो कितना अब कितना आसान बनेगा, C6H14O के एल्कोहल ईथर बनाओ, C7H16O के एल्कोहल ईथर बनाओ। एक बात ध्यान रख लो भाई, इसको टेबल में बना लो सबको। यदि आपने देखा हुआ C3H7Cl के कितने बन रहे, दो बनेंगे, C4H, इसको याद रख लो बस, इसको याद कर डाला तो लाइफ जिंगा याला, ठीक है। चार C5, मैं एक पैटर्न बता रहा हूं उसको सीख लो, तो रट्टा नहीं मानना पड़ेगा, नहीं तो रट्टा ही मानना पड़ेगा फिर लाइफ में। आठ C6H, ये कितना होगा बोलो, 13 Cl, इसके 17 C7H15, ये हो जाएगा आपका सिंपल 39 ही बनते, एक बार चेक कर लेना इसको, 37 या 39 एक बार चेक कर लेना बेटा, ठीक है। चलो बनाए बोलो। यस सर। चलो बताओ कितने अल्कोहल बनेंगे, कुणाल तुम बताओ। अल्कोहल इतने बनेंगे जितने क्लोराइड बन रहे हैं, जो जितने एल्का हैलाइड बनेंगे उतने तो अल्कोहल बनेंगे, बताओ। यस सर। ये बताओ जितने एल्का हैलाइड बनेंगे उतने तो अल्कोहल बनेंगे, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे कितने अल्कोहल बनेंगे, चार, यहाँ पे कितने बनेंगे, आठ, यहाँ पे बोलो 17, यहाँ पे 39। तो ये तो सीधा सीधा ट्रिक होगा, मतलब आप ऐसे अल्कोहल हो गए, अमाइंस हो गए, प्राइमरी अमाइंस है ना, आपसे मान लो कोई भी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, सब सही होंगे। अब ईथर कैसे बनाओगे, कोई बच्चा बताओ ईथर कितने बनेंगे इसके? 3, 1, 1। अब सब लग जाएंगे इसी तरह बन, देखो कैसे बनाओगे बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से। C3 एक तब कर दिया, 3 कार्बन, एक तब कर दिया, 1 कार्बन कर दिया ऐसे। अच्छा 3 कार्बन में कितने तरीके से क्लोरीन लगा सकते थे, अभी हमने टेबल बनवाई है, दो तरीके से, दो तरीके से, तो कितने बनेंगे इसके बताओ पहले, दो। अब C2O कर दें, एक ये बनेगा, तो कितने बनेंगे टोटल, बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं हुआ कॉन्सेप्ट, तुम बनाओ तुम ही लोग जल्दी इसी कॉन्सेप्ट C5H10O के बनाओ, हरी अप हरी अप। कितने C5H10 के ईथर 619। देखो कैसे, चार कार्बन एक तब कर दिए, दो कार्बन एक तब कर दिए,
कितना हो जाएगा बोलो? दो क्यों होंगे, एक एक ही तो बच्चे बैठे, एक बच्चे का, ठीक है सी वन, तो कितने होगा चार। समझ लो पैटर्न, एक समझ में नहीं आता लोगों को, इन तो रट्टा मारते हैं लोग। सी थ्री स्टेप कर दिया, अब हमने एक कार्बन कम कर दिया, सी ओ सी टू, दो इसके बनेंगे। एक बात आना, सी टू स्टेप कर दें, सी थ्री स्टेप कर दें, तो कोई दिक्कत है कोई? तब भी कोई बात नहीं, सेम ही बात है, बनेंगे कितने बताओ? छह ही बनेंगे। सी सिक्स के बताओ, हरी अप, कितने बने बेटा? कितने? 16। ये समझ में किस किस को आ रहा है पहले बताओ, पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। भाई नीट वाले तो ये तो हमने सब पढ़ाया था, तो उन्हें याद आ गया हुआ सब कुछ। इसमें क्या करोगे? C5O C1 कितने तरीके से करते हो बताओ? पांच के आठ। C4 एक एक करके चलो, C4O C2 कितने बनेंगे इसके? फोर। एक को देख रहे हैं हम, एक को, इसको नहीं देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, फिक्स कर रहे हैं। अब C3O C2 आप क्या करोगे? C3 हो है ना, C3O C3 हो गया। अब देखो इसके कितने बनेंगे? कितने बनेंगे? टू। तुमने तीन कैसे बनेंगे बताऊं? एक बार इसको नॉर्मल रखो, एक बार इसको नॉर्मल रखो, एक बार इसको आइसो रखो, एक बार इसको नॉर्मल रखो, सॉरी इसको भी आइसो ही रख लो अभी, ठीक है ना? एक बार इसको नॉर्मल रख लो, एक बार इसको आइसो रख लो, या एक बार इसको आइसो रख लो, या इसको नॉर्मल रख लो, बात तो एक ही है। बताओ कितने हो गए? 15। ये बताओ इसके बताओ कितने बनेंगे? देखो ऑर्गेनिक रेक्टिफिकेशन वाली नहीं है, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ, अच्छे से बस समझते जाओ चीजों को। यदि समझ में ना आए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, और फिर भी समझ में नहीं आए तो डाउट पूछो, फिर भी समझ में नहीं आए पूछते रहो जब तक कि क्लियर ना हो। कैसे करोगे इसमें बताओ? मैं देखो स्टूडियो में मैं ऑप्टिकल यही पढ़ा रहा हूं, तुम्हें समझ रहे हो ना तुम? मैं अब एल्काहलाइड चैप्टर है ना तुम्हारा, जो समझे हो एल्काहलाइड चैप्टर, वहां पे मैं स्टूडियो नहीं पढ़ाऊंगा, स्टूडियो बोले तो ऑप्टिकल यही पढ़ा दूंगा। ओके सर। देख लेते हैं बना के। C6 कितने बनेंगे? 17। C6O C1 कितने बनेंगे? 17। ये पैटर्न समझ में आ गया ना सभी को? C5O C2 कितने बनेंगे इसके? 8। C4O C3 अब कैसे बनाओगे बताओ? इसके कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। आपका वही सर कैसे? एक बार इसको तुम आइसो रखोगे तब बनेंगे चार, एक बार जब तुम इसको नॉर्मल रखोगे तब चार बनेंगे। कितने हो गए? और अब C3 और C4 करो, बात एक ही है। कितने हो गए? 17। ये सब प्रोबेबिलिटी का खेल है, इस प्रोबेबिलिटी आप उसको समझ सकते हो, अरेंजमेंट पढ़े हो ना तुम? हाँ वही खेल है एक्चुअल में, ये मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं। कितने हो गए?
बोलो, 33 हो रहा है ना, 17 23 कितना हो रहा है? 33 हो रहा है, 33 हो रहा है। हाँ आप समझ में आ गया सभी को पैटर्न? अब कर लो, ये 34 नहीं होना चाहिए काहे बच्चा? सर 9 होना नहीं चाहिए ना, वो लास्ट में सी4 किसके बेटा? 9 कैसे बनेंगे बेटा? 4 ये बन गए जब हमने इसको नॉर्मल रखा, 4 जब हम इसको आइसो रखेंगे 4 तब बनेंगे बेटा। तो कितने हो गए? 8 हो गए ना बेटा। मतलब इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ बेटा, देख लो, TO एक बार नॉर्मल आइसो रखा, एक बार हमने बेटा नॉर्मल रख दिया, 1 2 3 है ना, इस तरीके से समझ में। अब देखो, अब तुम लोग समझ गए होगे फिर तो। चलो C4H8O, C5H10O, C6H12O, C7H14O, इनके एल्डिहाइड कीटोन बताओ सभी लोग जल्दी, हरी अप, कैसे बताओ करो। मैं एक्चुअली क्या यार, पता नहीं चल रहा, 2 दिन से इतना दिमाग खराब चल रहा है। क्या होता है ना, जब कोई इंसान चला जाता है तो बड़ा दुख होता है। अब तुम ये मत सोचना कौन चला गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे एक सर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था, और ही वाज यंग 40 इयर्स ओल्ड, और उनका क्या हुआ, अकस्मात डेथ हो गया अकस्मात, और 40 ईयर के थे अभी, 40 45 के होंगे, और हमें उन्होंने 2 साल पढ़ाया था। ही वाज 100 बिलियन परसेंट, बट अच्छे लोगों को लोग उठा लेते हैं। एल्डिहाइड दो कीटोन एक, और बनाते चलो, मुझे इकट्ठे बता देना आंसर। क्या हुआ? पहले में तो 2 एल्डिहाइड 1 कीटोन आ रहा है, दूसरे में 4 एल्डिहाइड 3 कीटोन आ रहे हैं, तीसरे में 6 एल्डिहाइड 5 कीटोन आ रहे हैं। चलो साइक्लिक फॉर्म में तो कंसीडर करेंगे ना? नहीं अभी हम अभी मैं नहीं बात कर रहा, अभी मैं सिर्फ स्ट्रक्चरल की बात कर रहा हूँ बेटा। साइक्लिक फॉर्म तुम साइक्लिक ईथर बना सकते हैं, साइक्लिक ईथर बनेंगे इसमें, एल्कोहल भी बनेंगे साइक्लिक। यस सर, एडवांस में यदि पूछा जाएगा टोटल में तो बनाने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है? एडवांस में यदि पूछेगा तो क्या करना पड़ेगा तुम्हें, साइक्लिक ईथर भी बनाने पड़ेंगे तुम्हें, टोटल साइक्लिक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यदि सेम है तब तो तुम्हें करना पड़ेगा क्वेश्चन। फिर तो कॉम्प्लेक्स होता रहेगा? नहीं होगा कॉम्प्लेक्स, बन जाएंगे, भले इतना बड़ा नहीं आएगा वहां पे क्वेश्चन, छोटा ही आएगा, C4H8O भी पता है, C6H12, क्योंकि नंबर ऑफ आइसोमर्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं, ये तुमने देखा होगा, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है बनाने का, ये तो ट्रिक्स है, लग रहा है ठीक है, समझ रहे ना सोमिल?
यदि एडवांस में क्वेश्चन आया तो यदि वो एल्डिहाइड पूछेगा, पहली बात वो एडवांस में आपको पूरा मिक्सअप वाला क्वेश्चन देगा तो छोटा वाला देगा, और नहीं तो वो एल्डिहाइड पूछेगा, कीटोन पूछेगा, इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। या वो पूछ ले फंक्शनल आइसोमर्स बनाओ टोटल, ऐसे पूछ सकता है, लेकिन वो भी फंक्शनल में आ जाएंगे तो तुम्हें बनाने पड़ेंगे ना। अब देखो यहाँ पे C4H8 के बनाने, तो इसके देखो एक तरफ CH3 का, तो एक तरफ CHO, देखो CHO तो नंबर वन पोजीशन पे ही आएगा, आएगा ना। तो तीन इसके कितने बनेंगे, तीन तरीके के, दो इसके कितने बनेंगे। अब एक काम करते जाओ, C4 CHO 4 C5 CHO, कितने बोलो इसके, आठ। नंबर वन पोजीशन पे तो आ गई ना, C6 CHO कितना हो गया, 17। अब कीटोन की बारी आ रही है, तो देखो आपको कीटोन बनाना, तो सी जो कीटोन एक तो एक कार्बन खुद ही होगा कीटोन, तो C2O C डबल बॉन्ड O C1 कितने बनेंगे पहले के, एक बनेगा, एक बनेगा। दूसरे का देखो C3 C डबल बॉन्ड O, और यहां पे कितना हो जाएगा C1। ध्यान देना, मैं इसके बनाऊ C5H10 हो के, इसका नहीं बना, उसका तो एक ही बनेगा C1 C2, चार को चलो ये बनेगा, कितने बनेंगे इसके बोलो, दो। इसके कितने बनेंगे C6 के, देखो बनाते हैं, C6 के बनाने होंगे, तब आप करोगे C4 C डबल बॉन्ड O C1, तो कितने बनेंगे इसके, इसका एक और बनेगा यार, रुक जाओ, C2 C डबल बॉन्ड O C2, एक और बनेगा, इसके तीन बनेंगे टोटल, इससे मेरे तीन बन रहे हैं, हाँ इसके तीन बनेंगे। अब देखो यहाँ पे देखो चार ही हो गए, चार को कितने तरीके से, चार, अब C3 C डबल बॉन्ड O C2 कितने कर देंगे यहाँ पे, दो, कितने बनेंगे, अब दो या तीन यहाँ करो, बात तो एक ही है, कितने हो गए, छह बनेंगे। C7 के देखो, C7 के पूछे जाएं तब कैसे बनाओगे, बोलो, C7 के पूछे जाते हैं तब आप पूछे जाएंगे, सिंपल आप बनाएंगे C5 C डबल बॉन्ड O C1, जो एक कीटोन ये एक खुद ही हो गया कार्बन, इसलिए वहां पे हम एक पांच यहाँ एक छह छह हो रहे हैं, सात ये मिला के हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल बनेंगे आठ, और C4 C डबल बॉन्ड O C2 कितने बनेंगे, चार, C3 C डबल बॉन्ड O C3 कितने बनेंगे, तीन, दो, तीन बनेंगे बेटा, नॉर्मल नॉर्मल आइसो नॉर्मल आइसो आइसो। अभी बताए आठ चार बारह तीन पंद्रह कितने बनना है, ये बताओ क्लियर सभी को, यस सर, यस सर। बता देना भाई क्लियर है या नहीं, अब देखो क्लियर है सर। देखो मैं आपको सिंपल सा बोलूं, क्योंकि आपका आइसोमेरिज का डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन एप्लीकेशन बहुत पूछा जाता है, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको फाइनल प्रोडक्ट पूछूंगा तब आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया इतना, क्या बेटा लास्ट स्लाइड खत्म है आज, मैंने पूरा रिवाइज करा दिया तुम्हारा स्ट्रक्चरल, अब मैं ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊं, या तुमने ज्योमेट्रिकल तो पढ़ा हुआ डिटेल में, पढ़ा ही था मैंने, अपन आप स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल, ठीक है। ज्योमेट्रिकल का थोड़ा सा मैं बता दूंगा बस, थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे ना, हाँ थोड़े क्वेश्चन ही कर लेंगे बस पर्याप्त। तो देखो यहाँ पे अब आपको जैसे मान लो दे दिया जाए C5H10 के साइक्लोएल्केन बनाओ, वो भी स्ट्रक्चरल पूछ रहा हूं मैं, ध्यान सुनना, C5H10 के साइक्लोएल्केन बनाओ, कितने बनाओगे, और बनाओ C6H12 के साइक्लोएल्केन बनाओ, कितने बनेंगे, अरे आप
छुट्टी बन जाएंगे। थ्री एंड एट कितना आया अंदर? सर थ्री एंड एट आ रहा है। कैसे आ सकता? नहीं आया, गलत है। सर फोर आएगा। ये क्वेश्चन जेई का है, एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। बस इसमें टोटल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? टोटल जो C5 H10 वाला है ना, समझे? क्या पूछा गया था? नहीं, गलत है। कृष्णा? यस सर। प्रियांशु? साहिल? बोलो। फोर आ जाएंगे पास होगा। फोर एंड सेवन आया मेरा अभी। फोर एंड सेवन आ रहा है बच्चा। बना है? मेरा फोर एंड हार दिए। चलो, किसी का फोर एंड नाइन भी आ रहा है। दिखता तुम्हारा कितना आया? दिखता? सर एक मिनट, कर रही हूँ। श्रुति? फोर एंड नाइन आ गया। अच्छा, आगे सर? आगे कितना आ रहा है? फोर एंड नाइन? बब्बी गलत है। अभी गलत है बच्चा। फिर इससे भी ज्यादा बनेगा क्या? उससे भी ज्यादा बनेंगे। देखो, फर्स्ट वाला इसके फोर बनेंगे ना? इसके पांच बनेंगे बेटा। देखो कैसे बनाएंगे। एक ये बनेगा, पांच बना, पांच का अब तो कोई बनेगा नहीं। अब चार का बनाएंगे, चार का एक बनेंगे। अब चार का तो कोई बनेगा नहीं। अब कितने का बनेगा? तीन का। बन गया ये, बन गया एक। अब एक बार देखो, इथाइल है, हम दोनों पे लगा देते हैं, दोस्ती करा दी। अब जब पास पास आएंगे तो बन टू पे लग जाएगा। क्लियर? यस सर। Yes, अब sir. ये एडवांस का क्वेश्चन था। ये एक्चुअली एडवांस क्वेश्चन ये था ऐसा, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। इसके सात जाने आठ आंसर था, और इसमें ये वाला जो कंपाउंड होता है ना, ज्योमेट्रिकल भी शो करता है, ऑप्टिकल भी शो करता है। ठीक है, इसका ट्रांस वाला क्या शो करता है? ऑप्टिकल। सबसे लास्ट आंसर। हाँ, तो ये एडवांस क्वेश्चन है। C6H12 कितने बनेंगे? पहले छह कार्बन का एक बना देते हैं, फिर कितने का बनाएंगे? क्या का बनेंगे? बनेंगे सर, इसके सर बनेंगे सर। कितने? 11 बनेंगे क्या सर? कितना? थोड़ा तो नजदीक गया तुमने, बढ़ा ले। 12 सही है, जीत गया तुम तो स्वामी। ये पांच, अब अब ये मिथाइल कहीं भी लगा दो, बात तो एक ही है। अब कितना होगा? चार मिथाइल लगा देते हैं। अब क्या करेंगे? दोस्ती करा देते हैं, फिर दोस्ती के बाद ब्रेकअप करा देते हैं। अब ब्रेक अभी भी नहीं मान रहे, अभी भी कह रहे नहीं हम तो लड़ेंगे तुमसे, हम तुमसे दूर हो ही नहीं सकते हैं, तो और दूरियां बढ़ा दी, जस्ट एंटी कर दिया। कितने बन गए ये? छह। अब चार के तो कोई बनेंगे नहीं, अब तीन, अब ऊपर लगाओगे तो बात तो एक ही हो जाएगी ना, तो अब तीन के बनाएंगे। तीन कितने बनेंगे? देखो, एक बार हमने क्या लगा दिया? प्रोपाइल। एक बार क्या लगा दिया? आइसोप्रोपाइल। एक बार क्या लगा दिया? इथाइल मिथाइल। लड़ाई होने लगी, दो भाई थे बड़े छोटे भाई, लड़ने लगे, बोले बंटवारा चाहिए, बंटवारा करवा दिया। अब सिंपल, अब बोले चलो ठीक है, अब मिथाइल आ गए। इस तरीके कितने बन गए? 12 12
ये बात क्लियर हुई? यस सर। यस सर। तो अच्छा, इसकी साइज, इसकी एल्कीन बनाना कितनी बनेगी? T5S10 की बस। नंबर ऑफ एल्कीन इंक्लूडिंग साइक्लिक? नो, ओनली एल्कीन। मैंने साइक्लो नहीं बोला, ओनली एल्कीन बोला, वो भी स्ट्रक्चरल बोलो, ज्योमेट्रिकल को काउंट नहीं करना। देखो ऑर्गेनिक बहुत आसान है, बस पढ़ते चले जाना धीरे 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 जितना पढ़ा रहे हैं, और रिवीजन जितना। भाई देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ यही बात, एक बात मैं आपको बता देता हूँ। आज आपने सुना होगा, हर टीचर से सुना होगा कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी बार आप कितनी बार पढ़ते हो ये मैटर करता है, बार बार पढ़ना है। मैं एक बात आपको बता दूं, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिलेक्शन, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सोर्सेस। सोर्सेस होने ज्यादा कुछ नहीं होता है, आपको मिनिमम रिवीजन बोलो या रिपीटिशन बोलो, जितना ज्यादा रिवीजन करो, सॉरी उल्टा लिख गया मैंने, ठीक है, एक्चुअली सिलेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सोर्सेस, रिवीजन और इनवर्सली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सोर्सेस। मैटर नहीं करता सोर्सेस तुम्हारे पास, जितने ज्यादा सोर्सेस होंगे उतने ज्यादा तुम प्रॉब्लम में आओगे, टेंशन में आओगे। जो सोर्सेस हैं तुम्हारे पास उन्हीं को पढ़ो, जो सोर्सेस है तुम्हारे पास तुम्हें उन्हीं को पढ़ो, उन्हीं को हमेशा उन्हीं से आगे बढ़ो। तो फाइव आ गया, उसका आंसर फाइव आ रहा है। मैं बताऊँ मुझे याद नहीं रहता, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो ये पहले इसके एल्किन बनाया को कितने बने, कितने एल्किन बनते हैं? तीन। अच्छा दादी मैं टोटल पूछते तो कितने बनते हैं? एक, दो, तीसरा यहाँ लगाओ गुस्सा हो जाओगे, चार, पांच, छह ही तो बन रहे हैं। यस सर, सिक्स आ रहा है। अच्छा टोटल पूछता तो कितने बनते हैं बताना, मैं भी वही बात बोल रहा हूँ, वहां पांच ही बनेंगे। एक दो, मैंने काउंटिंग गलती कर दी है ना, तीन चार पांच। अच्छा टोटल, टोटल मैं छह बता रहा था, टोटल छह बनेंगी, वो दिमाग में चल रहा था। टोटल छह कैसे बनेंगी, दूसरी वाली कैसे करेगी बोलो, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिक इस ना। यस सर। इतना क्लियर सभी को? बताओ पहले यहाँ तक, किसी को पूछना हो तो बता दो। तो मैंने क्वेश्चन ही कराया, मैंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं अपन। कितने लोग जुड़े हैं अभी अपने साथ? 29। चल T7 S32 ये हो गया, डाइन हो गया, T5H8 के आप मुझे डाइन बना के दिखाओ कितने बनेंगे।
और मुझे दूसरा ये भी बना के दिखाओ डाइन के बाद, नंबर ऑफ एल्काइन भी कितनी बनेंगी ये भी बताओ। डाइन थ्री मुझे पता नहीं है उनसे बनाना थ्री है थ्री आ रहा है देखो T5H8 दिया हुआ है 2 3 4 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा सिंपल। देखो आप पहले वो बना लो एल्काइन भी तीन आ रहे हैं एल्काइन तीन आ रहे हैं देख लेता हूँ वैसे इसकी तो जरूरत भी नहीं है एक दो तीन ही आई हैं यहाँ तीन एल्काइन आ रही हैं क्योंकि यहाँ आ नहीं सकता पांच बॉन्ड हो जाएंगे तो डाइन कितने हो जाएंगे देखते हैं डाइन देख लेते हैं यदि डाइन देखा जाए तो आप पहले डबल बॉन्ड वाले लगा लो एक डबल बॉन्ड वाला ये बनता था एल्किन बना लो दूसरा ये बनता था तीसरा ये बनता था चौथा ये बनता था पांचवा ये बनता था ठीक है ये बनता था yes. Yes, अब आप डबल बॉन्ड लगा के देख लो एक डबल बॉन्ड यहाँ लगा सकते हैं दूसरा यहाँ लगा सकते हैं तीसरा यहाँ लगा देंगे है ना चौथा यहाँ लगा देंगे पांच में यहाँ लगा सकते हैं नहीं है ना सिक्स नंबर का यहाँ लगा सकते हैं सात नंबर का यहाँ लगा सकते हैं है ना यहाँ क्यों नहीं लगाया पता है ना कौन सा वाला रिपीट कर रहा है बोलो ये पांच छह होगा क्या बोल बेटा बोलना बेटा कॉन्जुगेटेड डाइन बोल रहे जो साथ में डाइन आती है वो बनानी है हाँ सब बनानी है पांच छह यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे आएगा साथ में जो नंबर फाइव पे लगाया वो होगा उसमें कार्बन के पांच बन जाएंगे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा इसको बनाओ इसे कितने हो जाएंगे इसके हो जाएंगे सिंपल आपके पांच इसके हो जाएंगे सॉरी यहाँ पांच हो जाएगा ठीक है वहां तो जाएगी नहीं है ठीक है अब यहाँ पे कितना हो जाएगा छह ही बनेंगी छह बनेंगी ये तो रिपीट ही कर जाएगी तुम लगाओगे अभी छह बन रही है इतना टॉमिल यस सर इस समय छह बन रही चेक कर लेना एक बार कितनी बन रही है तो यहाँ तक क्लियर है सभी को यस सर चलो अच्छा C5H8 की मुझे साइक्लो एल्किन बना के दिखाओ कितनी बनेगी
सेवन पता नहीं बना के देखने नहीं। मुझे सिक्स आएंगे सेवन में आएंगे सिक्स आ रहे हैं मुझे सिक्स भी नहीं आएंगे मैं कौन है देखो पहले पहले वो बना लो तुम साइक्लो एल्केन कितने बनते थे इससे साइक्लो एल्केन देखो एक यहाँ पे आ सकता है डबल बॉन्ड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छ सात आठ अंदर आएगा नौ यहाँ लगाओ तो रिपीट करेगा दस इधर लग नहीं सकता इधर लग नहीं सकता ग्यारह और एक बारह और भी कोई आ सकता है तेरह बन नहीं है मैंने कोई गलत कर दिया क्या यहाँ पे फोर और फाइव में सेम कर दिया ना बारह बनती है इसकी देख लेना तुम अपने हिसाब से इसको बारह कर लेना मुझे मिटाना पड़ेगा सब ठीक है सी फाइव एच एट की बन सकती है ना एक बनेगी yes, sir. नंबर ऑफ स्पायर एक बनेगी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे ना क्यों इसको यदि मैं पूछूंगा तो इंक्लूड करना पड़ेगा नहीं पूछ रहा तो नहीं करना पड़ेगा चार पांच छः सात यहाँ पे आठ नौ दस ग्यारह बारह तो बना लोगे आई थिंक यस सर यस सर तो यहां तक बताओ किसी कोई डाउट बोलो नहीं तो आगे बढ़े देखो यस सर फिर हमने इसके बाद तुम्हें ये तो तुम्हारे स्ट्रक्चर तुम इतना पढ़ी लोगे अच्छे से पढ़ भी लेना इनको ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ठीक है या हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो तुम्हें पता होगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म किसे बोलते थे बोलो कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज इन थ्री बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज मतलब ठीक है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऐसा होता है कि सेम प्रॉपर्टीज होती है क्या होता है जल्दी बताओ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस हाँ मतलब सिंपल सी बात है क्या होता है यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो कंडीशन ये होती है मॉलिकुलर फॉर्मूला भी सेम होता है फॉर्मूला सेम होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होता है फॉर्मूला सेम लेकिन अरेंजमेंट जो होता है बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन थ्री डी स्पेस सर जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों सेम होंगे तब भी आइसोमेरिज्म रहेगा हाँ, ये बेटा स्टीरियो है स्टीरियो है स्टीरियो है बेटा नहीं सर जैसे हम आइसोमेरिज्म में यही पढ़ते थे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट जब दोनों सेम हो जाएंगे तब भी आइसोमेरिज्म रहेगा तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा था ना ये स्टीरियो है बेटा पर सर ये भी तो आइसोमेरिज्म ही है ना आइसोमेरिज्म मैंने क्या बताया था आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन पढ़ो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट देयर प्रॉपर्टीज मैंने स्ट्रक्चर नहीं बोला था
मैंने कहा था वो डेफिनेशन नहीं है, वो डेफिनेशन जो स्ट्रक्चर वाली डेफिनेशन होती है वो आपकी स्ट्रक्चरल की डेफिनेशन होती है। किसकी होती है बेटा बोलो? स्ट्रक्चरल। ओके हाँ, इस बात को ध्यान रखना, मतलब प्रॉपर्टीज पे आ गए। ओके हाँ ठीक है। तो अब देखो, अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले किसकी? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज की। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज किसे बोलते हैं? सेम चीज होता, पहला थिंग भी सेम होगा, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला। फॉर्मूला दूसरा यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी क्या होगा बोलो? सेम होगा। सेम होगा सर। क्या नाम है बेटा आपका? सर रमीजा। रमीजा ओके। पहली बार तुम्हारा नाम सुन, न्यू एडमिशन है क्या बेटा? यस सर। कब हुआ है? सर इसी वीक हुआ है। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है ना बेटा? यस सर। ठीक है, अभी तो पिछला तो अच्छा अच्छा कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना रमीजा बेटा, ठीक है। सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम होगा, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन 3D स्पेस आर डिफरेंट। वो भी किसके थ्रू बोलो? डिफरेंट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या होता है यहाँ पे? रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, मतलब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन बोले तो सबसे पहली बात, जैसे डबल बॉन्ड के अबाउट कैसा रोटेशन होगा बोलो? रिस्ट्रिक्टेड। ट्रिपल बॉन्ड के अबाउट कैसा रोटेशन होगा? रिस्ट्रिक्टेड। रिंग के अबाउट कैसा रोटेशन होगा? रिस्ट्रिक्टेड। अच्छा सिंगल बॉन्ड के अबाउट क्या रोटेशन होता है? अनरिस्ट्रिक्टेड। फ्री रोटेशन होता है, इसीलिए तो कंफॉर्मर्स बनते हैं, उन्हें बोलते रोटामर्स, है ना? कंफॉर्मर्स इसीलिए तो बनते हैं। अच्छा ये बताओ, नंबर ऑफ कंफॉर्मर्स ऑफ इथेन कितने बनेंगे? इनफाइनाइट। वेरी गुड। ब्यूटेन? तो सबको इनफाइनाइट होंगे ना, कितने बना सकते हैं, कितने डिग्री घुमा सकते हैं, जो स्टैगर्ड और एक्लिप्स लेते हैं बस। हम एक्चुअली स्पेशल टाइप के कुछ एंगल पे वो आइसोमर्स पढ़ते हैं, ठीक है, कंफॉर्मर्स पढ़ते हैं। तो यदि हम बॉडी के अबाउट पूछे तो कैसा रोटेशन होगा? ह्यूमन बॉडी के अबाउट रिस्ट्रिक्टेड। तो अब यहाँ पे समझना, सबसे पहली बात ये आती है कि जब अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलेंगे किसे? जब सेम साइड सेम ग्रुप होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं बोलो? सिस आइसोमर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस। और जब डिफरेंट साइड होते हैं ट्रांस होता है, ट्रांस बोलते हैं। अब एक बात आना, ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया आपका। अब हम यहां पे बात कर रहे थे नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां पे कि कौन सा कंपाउंड ज्योमेट्रिकल शो करेगा और कौन सा नहीं करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे बताओ, चलो ये क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर उठाओगे तो भरे पड़े हैं, बतेरे क्वेश्चंस हैं। ये कंपाउंड करेगा? नो सर। नो सर। ये कंपाउंड सेम साइड सेम ग्रुप सिर्फ अपोजिट साइड ट्रांस। देखो सिंपल सी बात, एक बात याद रखना, डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दोनों ग्रुप कैसे होना चाहिए आपके बोलो? सेम नहीं होने चाहिए, डिफरेंट सेम नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी साइड सेम हो गए तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज को शो नहीं करेगा। सिंपल, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा, ठीक है, ये बात क्लियर? Yes. अच्छा रिंग भी क्या शो करता है? ज्योमेट्रिकल शो करता है। जैसे मान लो सेम साइड सेम ग्रुप होता है तब क्या बोलते थे बोलो? सिस। और जब अपोजिट साइड होता था तब ट्रांस। अच्छा एक बात आना आप मुझे, ये तो सिस ट्रांस हो गया, आपने ईजेड पढ़ा था सिस्टम, याद है? ईजेड सिस्टम किसे बोलते थे बोलो? कैसे बोलते थे? प्रायोरिटी के बेसिस पे। और प्रायोरिटी आप कैसे निकालते थे बोलो? प्रायोरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक
नंबर देखो मैंने आज में थोड़ा जल्दी करा दिया, मैंने कहा पूरा रिवाइज करा देता हूँ, है ना। एटॉमिक नंबर बोले तो क्योंकि हमें आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा हुआ है, तुम ऑप्टिकल के बाद तो दिक्कत आएगी। आरएस तो पढ़ा नहीं होगा किसी ने, पढ़ा है कृष्णा तुमने भी नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा कृष्णा, तुमने भी नहीं पढ़ा, ठीक है। प्रायोरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मान लो आप ये बताओ Cl, Br, क्लोरीन, क्लोरीन बताओ क्या ई है या जेड है? बताओ सर क्या बताना है, ई है या जेड है? जब सेम साइड सेम प्रायोरिटी होती थी तो क्या बोलते थे उसको हम, जेड। हायर प्रायोरिटी जब सेम साइड हो जेड अपोजिट होती थी तो ई। तो बताओ यहाँ पे किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, क्लोरीन और ब्रोमीन में? ब्रोमीन का ज्यादा है तो ब्रोमीन को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दी, सेकंड इसको। इसमें किसका है बोलो, क्लोरीन। ये सेकंड हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, क्लोरीन। तो देखो हायर प्रायोरिटी क्या है आपकी, बोलो सेम साइड है। जब हायर प्रायोरिटी सेम साइड है तो क्या हो जाएगा बोलो, जेड। अच्छा वैसे ये कौन सा आइसोमर्स था? ट्रांस। ट्रांस तो हमेशा ऐसा कोई जरूरी नहीं है ट्रांस वाला जेड ही हो, वो ट्रांस वाला क्या था, वो ई हो, समझ लो ना। यहाँ पे बताओ फर्स्ट और ये सेकंड, यहाँ भी फर्स्ट ये भी सेकंड, ई आ गया। ई कहाँ आया, ये भी जेड ही आएगा ना, OH है सर, OH है। ये क्लियर सभी को, पहले ये बताओ सर वो H पे फर्स्ट कैसे कर, बेटा H नहीं है OH है ये, H था। मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ, मतलब आप सिंपल एटॉमिक नंबर देखो, फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ज्यादा तो क्या हो जाएगा बोलो, प्रायोरिटी ज्यादा होगा। अच्छा एक क्वेश्चन बता दो बस मुझे, C2FClBri, ये क्वेश्चन आपका जेई में भी आया, नीट में भी, एम्स में भी आया, इसके बताओ नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने बनेंगे? सिक्स बन जाएंगे। कितने? सिक्स। अच्छा वेरी गुड, कर लोगे सभी? Yes, बोलो। सिंपल सी बात है, बस दो को चेंज कर दो, क्या कर दो, दो को चेंज कर दो, फ्लोरीन क्लोरीन कर दो एक बार, क्या कर दो फ्लोरीन ब्रोमीन कर दो एक बार, क्या कर दो फ्लोरीन आयोडीन कर दो, ये भी दो बनेंगे, दो भी दो इसके, तो कितने हो जाए, सिक्स हो गए सिंपल। तो नेक्स्ट क्लास में, अब इम्पोर्टेंट, अब तुम्हारे क्लास ट्वेल्थ का टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नेक्स्ट क्लास में, कौन सा, स्टीरियो, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, एलीन डेरिवेटिव भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, आइसोमेरिज। कृष्णा ध्यान से पढ़ लेना, पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अब जो भी कायल सेंटर है ना, सुना होगा ना, कायल सेंटर, एनेंसियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स, आर एस कॉन्फिगेशन सब पढ़ाऊंगा मैं यहाँ पर, ठीक है बच्चे हमारे। सर अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो किसको प्रायोरिटी देंगे? बेटा एटॉमिक, फिर हम एटॉमिक नंबर सेम होता है वो होता है एक्चुअली तुम्हारा, देखो जब आपको आइसोटोप्स दे दिए जाते हैं, ठीक है ना, आइसोटोप्स दे दिए जाते हैं, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, टीटियम, इस तरीके से दे दिए जाते हैं, उस केस में फिर हम एटॉमिक मास को प्रायोरिटी देते हैं, इसको देते हैं बेटा। देखो ऑक्सीजन, ये पहला ऑक्सीजन है ना, इसको देखते हैं, इसका इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 8। इसका कार्बन कितना है, 6। इसलिए हमने किसको प्रायोरिटी दे दी, ऑक्सीजन। अब बता दो यहाँ तक किसी कुछ भी डाउट हो या पूछ लो, टेंशन मत लो सर, वो जेड और ई क्या था बेटा? ये तुमने 11th में एक्चुअली हमने आइसोमेरिज में ही पढ़ाया था ईजेड सिस्टम, है ना, और ईजेड सिस्टम ये होता था सिंपल, प्रायोरिटी का ऑर्डर समझ में आया बेटा, पहले ही बताओ
यस सर है ना सर ये जो OH वाला है यहाँ पर ये भी एटॉमिक मास देखते तो भी तो हो जाता है तब भी हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं लेकिन आप एटॉमिक नंबर देखो मैं कंफ्यूजन में नहीं करना चाहता एक्चुअली बहुत सी किताबें क्या एक्चुअली एक्चुअल जो स्टेटमेंट है वो एटॉमिक मास पे ही है ठीक है ना किताबें यही लिखती हैं लेकिन हम लोग एटॉमिक नंबर पे इसलिए कराते हैं एटॉमिक मास तुम्हें याद रहते नहीं है अधिकतर ठीक है तो आप एटॉमिक नंबर पे करो बिल्कुल सही आएगा बस आप आइसोटोप्स के इसमें कौन सा ले लोगे बोलो एटॉमिक देखो बेटा क्या नाम है आपका तो जब सेम साइट हायर प्रायोरिटी होगी समझ लो क्या नाम था अभी किस लड़की ने पूछा था न्यू बच्ची थी यस सर दिव्यांशी दिव्यांशी ने पूछा था अच्छा जब सेम साइट आपका क्या होगा बोलो हायर प्रायोरिटी होगा तब क्या बोलोगे आप इसको बोलो जेड आइसोमर और यदि अपोजिट साइड होगा क्या होगा अपोजिट साइड तब क्या होगा आपका ई आइसोमर तो बताओ यहां पे कैसा हो जाएगा आप समझ में आया बेटा जब देखो अब यहां पे हायर प्रायोरिटी सेम साइड हो गई तो जेड हो गया अपोजिट साइड थी तब क्या हो गया बोलो ये अच्छा चलो तो मैं करा देते हैं अपोजिट वाला भी कितना टाइम लग रहा है क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन बताओ इसका क्या होगा ई होगा फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड सेकंड फर्स्ट और सेकंड हायर प्रायोरिटी जब अपोजिट साइड तो क्या हो जाएगा ई आइसोमर हो जाएगा क्लियर सभी को यस सर तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्टीरियो मेन अब टॉपिक स्टार्ट होता है फिर मैं स्टीरियो पढ़ाऊंगा स्टीरियो मतलब स्टीरियो में ऑप्टिकल ऑप्टिकल पढ़ाने के बाद फिर मैं आपको पढ़ा दूंगा वहीं पे नेक्स्ट कौन सी रिएक्शन फिर रिएक्शन क्यों फिर मैं आपको वहीं जीओसी पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा पूरा खत्म करता हुआ चला जाऊंगा सर इसमें हाइड्रोकार्बन भी आएगा क्या थोड़ा इसमें हाइड्रोकार्बन नहीं थोड़ा हाइड्रोकार्बन आपका इनबिलिटी है मान लो जितनी मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ाऊंगा ना उसी में हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा तो ठीक है बच्चा पार्टी ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुड नाइट सर गुड नाइट गुड नाइट